समाज सेवी संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 11 तारीख को वोट पड़ना है, आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं वोट के बारे में? देखिए, जो भारत संविधान के अनुसार जो है मूल सबको अधिकार है वोट डालने का, सब लोग वोट डालेंगे बढ़ चढ़ के जो है। तो आप वहाँ के यहाँ के जो है आम जनमानस 11 तारीख को वोट है उसमें क्या अपील करना चाहते हैं? मैं आम जनमानस को अपील करता हूँ जी, संविधान के अनुसार जी सबका अधिकार है वोट डालने का, और बढ़ चढ़ के जो है मैं अपील करता हूँ जाकर के मतदान करें 11 तारीख को। और अभी जो है डिप्टी सीएम किशोर प्रसाद मौर्य जी आए थे, उन्होंने एक बयान किया है कि यहाँ निहत्थे लोगों को गोली चलाई थी गई थी, तो उस पर क्या है टिप्पणी? ऐसा है, ये पुरानी बात नहीं करना चाहिए जी, जो बीत गया जो हो गया विकास पर बात करना चाहिए जी, कैसे हमारा अयोध्या का और पूरे प्रदेश का किस तरीके विकास हो, अच्छे लोग जो है चुन करके आए, और ये जो बोर्ड है महापौर का बोर्ड है पूरे प्रदेश में सभासद महापौर का जो नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, अच्छे लोग चुन करके आए और अच्छे लोग जो है नव भारत का निर्माण करें और हमारा देश किस तरीके से तरक्की करे, किस तरीके से प्रदेश में खुशहाली आए, इस पर बात करना चाहिए। और जो है आप जो है समाज सेवी संस्थान है, इस राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्था समय क्या प्रगति कर रही है? समाज सेवी संस्था जो है जगह जगह उनका कार्यक्रम चल रहा है, जो हमारे छात्र हैं जो पास हुए हैं हाई मेरिट से उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, साइकिल भी देने का काम कर रहे हैं, शादी विवाह में हम लोग भी मदद कर रहे हैं, आपके माध्यम से लोगों के बीच में हमारा संदेश पहुंच रहा है, और मैं गरीब असहाय छात्र नौजवानों की जो है मैं जो उस तरीके से उनकी मदद कर रहा हूँ। आपका पद नाम? मैं समाज सेवी संस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव था।